10 साल बाद भी अपनी कोई उपलब्धि बताने की बजाय विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। 400 पार वाले हैं, रायसीना बाहर होने वाले हैं, ये बाहर होने वाले हैं, इनको बोलने दीजिए, नारे लगाने दीजिए, लेकिन हम बिल्कुल आत्मविश्वास से लबालब हैं। हमें मालूम है कि जनता तैयार है, लोग तैयार हैं बदलाव के लिए। 10 साल आप प्रधानमंत्री हैं, 10 साल बाद भी अपनी कोई उपलब्धि बताने की बजाय विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। आप क्यों विपक्ष पर हमला बोल रहे हो भाई? हम तो विपक्ष में, हम पर क्या हमला बोल रहे हो? हम थोड़ी सरकार में कि आप हमसे सवाल पूछ लो या हम पर हमला बोल दो। हमला आप पर बोला जाएगा, सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जवाब दो। 10 साल बाद भी अगर आपको विपक्ष पर ही हमला करना है तो माफ कीजिएगा, आप विपक्ष में रहने लायक हैं, आप सरकार में रहने लायक नहीं है। सर, आप लोगों के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्या पिछली बार जैसे एक राफेल बहुत बड़ा मुद्दा रहा था जिसके ऊपर पूरा चुनाव लड़ा गया था, इस बार आप कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, और मुख्यतः राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कास्ट सेंसस को बहुत प्रमुखता से हाईलाइट किया है कि देश का एक्सरे जो पिछले 10 साल में अलग अलग वर्गों के साथ अन्याय हुआ है, नौजवानों के साथ हुआ है, महिलाओं के साथ हुआ है, आदिवासियों के साथ हुआ है, मिडिल क्लास के साथ हुआ है, श्रमिकों के साथ हुआ है, वो उसकी बात राहुल गांधी बड़े मुखर होकर उठा रहे हैं। फिर आप बात करते हैं सामाजिक जो पिछड़ापन है उसकी, तो उसके लिए आपको गिनती तो करनी आवश्यक है, किस वर्ग के कितनी संख्या है, तभी आप नीति निर्धारण कर पाएंगे। जैसे राहुल जी कहते हैं कि एक एक्सरे रिपोर्ट की आवश्यकता होती है इलाज करने से पहले, तो बिल्कुल ये हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछले 10 साल में जो इस सरकार ने किया है उसके खिलाफ जो एक माहौल बना है वो भी, ये बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी बहुत 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है वो भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, महिला सुरक्षा आप देख रहे हैं, रोज सुनते हैं, रोज देखते हैं क्या हालत है, वो भी ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, किसान जो आज भी दिल्ली के बाहर इंतजार करते हैं दिल्ली में घुसने के लिए, एमएसपी उनका एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस तरह से सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के लिए, कुछ अपने दोस्तों के लिए सरकार ने काम किया है वो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एनडीए ने नंबर दिया है 400 पार का, आप लोगों ने एक नंबर दिया और क्या चेहरा भी कोई होगा एनडीए अलायंस? देखिए, ये जो 400 पार वाले हैं, रायसीना बाहर होने वाले हैं, ये बाहर होने वाले हैं, इनको बोलने दीजिए, नारे लगाने दीजिए, लेकिन हम बिल्कुल आत्मविश्वास से लबालब हैं। हमें मालूम है कि जनता तैयार है, लोग तैयार हैं बदलाव के लिए, और हम वो बदलाव बनकर सामने आ रहे हैं। कौन चेहरा होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या मुद्दे उठा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, और मुद्दे जो हम उठा रहे हैं, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उठाए जा रहे हैं, उन मुद्दों की एक रेजोनेंस है, लोगों को मुद्दे समझ में आ रहे हैं कि साहब ये हमारी बात कर